ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम किसी लार्ज डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए है, जैसे किसी दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, अर्थ से किसी अदर प्लेनेट के डिस्टेंस को हम मीज़र कर रहे हैं, तो उसको मीज़र करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, पैरालैक्स मेथड। ओके, तो इसको यूज़ करके हम कैसे डिस्टेंस को मीज़र करते हैं, आज इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पैरालैक्स क्या है, सपोज़ करिए आप ये पेन ऐसे समझिए, आप अपने पेन को किसी वॉल के या मान लो अपनी कॉपी के नोटबुक के सामने ही क्या करें, इसको रख दें। ठीक है, और इसको देखें, क्लोज रखें नोटबुक के, और इसको फिर क्या करें, पहले आप अपनी एक आई इसको बंद करके देखिएगा, फिर दूसरी आई को बंद करके देखेंगे, तो क्या होगा, ये साइड में शिफ्ट होती हुई नज़र आएगी, पहले इधर को या जिस आई इसको हम बंद करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, अपीयर होती है। ओके, यही क्या है, पैरेलैक्स है। क्या समझ रहे हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसको क्या करना है, अपने किसी वॉल के या पेपर के काफ़ी क्लोज रख देना है। ओके, फिर उसको क्या कर रहे हैं, हम एक पहले एक आई को बंद करके देख रहे हैं, फिर दूसरी आई को बंद करके देख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक आई से देखना है, और एक को एक जब लेफ्ट से देखेंगे तो राइट वाली को क्लोज रखेंगे, और जब राइट से देखेंगे तो लेफ्ट को क्लोज रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें क्या होगा, मूव दिखाई देगा हमको, शिफ्ट दिखाई देती है, तो इसी को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। कह रहे इट इज़ द अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर वैन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज द क्लोज ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आवर आइज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो इसी को क्या बोलते हैं आप, पैरेलैक्स बोलते हैं। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंस को मीज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने सपोज किया कोई एक प्लेनेट है, पी, जिसको हमें क्या करना है, अर्थ से उसका डिस्टेंस को मीज़र करना है। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अर्थ से कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, अर्थ पे ही दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बी है। ओके, अर्थ पे हमने टू पॉइंट लिए हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बी है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, सबसे पहले हम पॉइंट ए पे अपनी पोजिशन लेते हैं और इस प्लेनेट को देखते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट बी पे पोजिशन लेते हैं और प्लेनेट को देखते हैं। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो ये एंगल मीज़र कर लेते हैं हम 51 और 52। क्लियर, 51 और यहाँ से मीज़र करेंगे तो ये एंगल फाइंड कर लेंगे 52। जो सिंपल ज्योमेट्री से आप देखेंगे 51 52 क्या होगा, इस एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 51 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये 51 हो जाएगा, ये 90 - 51 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 51। वैसे ये 52 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल 51 + 52 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जिसे पैरालैक्स एंगल बोलते हैं। ओके, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, बी है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना, बी है। और इस पॉइंट से प्लेनेट का डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया है, डी है। ओके, इसी को हमने, इस डी डिस्टेंस को ही हमने फाइंड करना है। क्लियर, ओके।